अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक का नेम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि कोई भी कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज कितना फास्ट या स्लो हो रहा है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी डिपेंडेंस होती है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के ऊपर, यानी RC के प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना फास्ट या स्लो चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो एक आपके शॉर्ट में या MCQs में आती भी है वो ये आती है कि जो यूनिट है प्रोडक्ट ऑफ RC का वो टाइम के इक्वल है, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसा टाइम जो किसी भी कैपेसिटर को रिक्वायर हो 0.63 टाइम्स इक्विलिब्रियम चार्ज डिपॉजिट करने के लिए, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि 0.63 कैसे चार्ज इक्विलिब्रियम चार्ज डिपॉजिट होता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि RC का प्रोडक्ट टाइम के इक्वल है, यानी ओम इंटू फैरेड सेकेंड्स के इक्वल है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले RC हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं, V इज इक्वल टू IR, ये इक्वेशन हमने पढ़ी है। यहाँ से करंट आपने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q/T। तो यहाँ से अगर आप R की इक्वेशन निकाल लें तो R रह जाएगा V × T डिवाइडेड बाई Q। अब एक और इक्वेशन हमने पढ़ी है कैपेसिटर की, इक्वेशन हमने पढ़ी है वो है Q इज इक्वल टू CV। अगर यहाँ से हम C की वैल्यू को निकालें तो वो Q/V के इक्वल होगी। अब ये जो वैल्यू है जो आपने यहाँ पे R की निकाली है और जो C की निकाली है वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें R × C के, तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी V × T डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाई बाई Q/V। अब यहाँ से V and V कैंसिल हो जाएगा, Q and Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास टाइम की इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ R and C इज इक्वल टू टाइम, यानी RC का प्रोडक्ट टाइम की इक्वल है, ओम इंटू फैरेड सेकेंड्स की इक्वल है। तो इस RC के फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंस है इसकी कि कितना कोई कैपेसिटर कितना फास्ट या स्लो चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब आपने टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि वो 0.63 टाइम्स इक्विलिब्रियम चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है कैपेसिटर के अंदर उसको हम टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं 0.63 यानी 63% किस तरह चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। इस फिगर को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की फिगर है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट कैपेसिटर रजिस्टर पर मुश्तमिल होते हैं और इसको हम रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट कहते हैं या हम इसको RC सर्किट कहते हैं। यहाँ पे देखें आप स्विच है आपके पास, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इसके अलावा बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज है यहाँ पर जहाँ से हम इसको वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और इसके अलावा टर्मिनल्स देख लें, ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है। सबसे पहले हम अगर चार्जिंग की बात करें तो कैपेसिटर के चार्जिंग के प्रोसेस को देखने के लिए हम स्विच को ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो इमिडिएटली चार्ज नहीं हो जाएगा, बल्कि चार्ज ग्रेजुअली बिल्डअप होगा और इक्विलिब्रियम वैल्यू को रीच करेगा। और इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है, Q0 इज इक्वल टू CV0। नेक्स्ट अब हम ग्राफ से इसको समझते हैं कि स्टार्टिंग में इसी का ग्राफ साथ ही बना हुआ है, ये फिगर साथ ही शो हो रही है नीचे, ये जो बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी, इसकी कर्व्स आपको दिख रही होंगी। तो इसमें क्या चीज़ है कि जो आपका स्टार्टिंग है, इनिशियल है इस ग्राफ का, वहाँ पर Q 0 है, T भी 0 है। तो इन ये जो आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज बिल्डअप हो रहा है ये ग्रेजुअली हो रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच कर रहा है। तो जहाँ पे हमने क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक मैक्सिमम वैल्यू ले लिए Q0 की। अब हम एक बात कह रहे थे कि RC के फैक्टर के ऊपर किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग डिपेंड करिए। तो पहले हम चार्जिंग की बात करें तो हम लोग सबसे पहले यही बात करेंगे कि RC का प्रोडक्ट इसकी चार्जिंग के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, यानी कि हम RC के प्रोडक्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई स्मॉल RC कंसिडर करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो चार्ज भी फास्टली हो गया है। स्मॉल RC जिसकी वैल्यू स्मॉल थी वो उसने कम टाइम लगाया है कैपेसिटर को चार्ज करने में। सिमिलरली वही वैल्यू जिसकी हमने लार्ज RC वैल्यू कंसिडर की थी उसने चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगाया है। तो ये देखें यहाँ पे कि 63% यहाँ पर चार्ज गिवन है, 0.63 चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है। तो ये 0.63 चार्ज इक्विलिब्रियम चार्ज था वो स्मॉल RC के लिए जल्दी डिपॉजिट हो गया, वाइल यही 0.63 चार्ज लार्ज RC के लिए लेट डिपॉजिट हुआ, यानी जिसके हमने वैल्यू लार्ज कंसिडर की है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट फिगर की तरफ आते हैं तो उसमें एक चीज़ है ये कि हमने अब डिस्चार्जिंग की बात करनी है। तो डिस्चार्जिंग के लिए जो स्विच S को हमने A टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था उस स्विच S को हम B टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और बैटरी का कनेक्शन यहाँ से ख़त्म कर देंगे।
तो इससे क्या होगा कि क्या कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस फिगर में जो आपका चार्ज है पॉजिटिव क्यू लेफ्ट साइड पर, वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा जो राइट प्लेट पे मौजूद है। नेक्स्ट, अब हम इसके ग्राफ को समझते हैं। तो अब डिस्चार्जिंग बिगिन कहाँ से होगी, क्योंकि एक दफ़ा कैपेसिटर चार्ज तो हो गया, इनिशियली चार्जिंग फुल हो चुकी है, यानी सी वी नॉट तक चार्ज हो चुका है। अब डिक्रीज करेगा ग्रेजुअली जीरो, यानी कि वो फुली चार्ज से डिस्चार्ज होगा ग्रेजुअली, और जो स्मॉलर वैल्यू है टाइम कांस्टेंट आर सी की, वो रैपिडली डिस्चार्ज करेगी, यानी कि इसके डिस्चार्ज इसकी इसका जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल आर सी के लिए तेज़ी से होगा, यानी आर सी का प्रोडक्ट जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे डिस्चार्जिंग भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर इसका प्रोडक्ट लार्ज है, लार्ज आर सी है, वहाँ पर इसकी डिस्चार्जिंग भी लेट होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर।